विमोहिनी ने भंडासुर को उसके पथ से भटका दिया है। कुछ समय के लिए भंडासुर को भ्रमित करने में हमें सफलता मिल गई। विमोहिनी ने हमें समय दिलाया है, अब देवताओं को माता पराशक्ति का आवाहन करना चाहिए। इन देवताओं को तुम्हें मात देने का अवसर मत दो। अपनी शक्ति एवं अपने क्रोध को एकत्र कर आगे बढ़ो। ॐ श्री मात्रे नमः। ॐ श्री मात्रे नमः। सशक्त स्वर में इस मंत्रोच्चारण का अर्थ है कि अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। देवी, देवी विमोहिनी, तुम स्वयं कहीं जाने का कष्ट क्यों कर रही हो? अपने हृदय की बात मुझसे कहो, मैं उसे अभी पूर्ण करता हूँ। मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? विमोहिनी इस प्रकार का अदृश्य हो गई। कैसे जीऊंगा मैं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अपनी विवेक और बुद्धि का परित्याग कर दिया है तुमने, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, जो एक स्त्री का दूर होने से ऐसे विलाप कर रहे हो। रुको, रोको अपना ये रुदन। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। ऐसी दयनीय अवस्था मां नायक भंडासुर को शोभा नहीं देती। वो तो यहां मात्र तुम्हें भटकाने आई थी और तुम उसके भटकाओं में उलझ गए। जाने दीजिए उन्हें, आप स्वयं असुरों के ईश्वर हैं। आपको भला किसी गुरु की क्या आवश्यकता? मेरे हृदय की इच्छा तो पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का अब कोई औचित्य नहीं। चल, हुआ है मेरे साथ। Yeah!
डाला है उस वी मोहिनी ने, व्यर्थ कर दिए हमारे शासन के सहस्त्रों वर्ष। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे, रूप के सम्मोहन में चला गया हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत करने का प्रयत्न किया था भंडासुर, कि उस सुंदरी को देवताओं ने या स्वयं नारायण ने तुम्हारे पास भेजा था, किंतु मेरे शब्दों का तनिक भी तुमने सम्मान नहीं किया। भूल हो गई है गुरुदेव, अपने छल के प्रभाव में अपने शासन के अनेकों वर्ष खोकर भूल का दंड भी प्राप्त कर चुका हूं मैं। स्वयं नारायण के अतिरिक्त कोई और ऐसा छल कभी नहीं कर सकता। और अब समस्त देवता तुम्हें रोकने तुम्हारे शासन के अंत हेतु देवी पराशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। पराशक्ति, ऐसी महाशक्ति जो तुम्हारे लिए महान संकट का रूप धारण करके प्रकट हो सकती है, वो सर्वोच्च शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर सकती है और तुम्हारे प्राण हर सकती है। इसके पूर्व की देवता उन देवी पराशक्ति के दर्शन पाने में सफल हो, जाओ जाके रोको उन्हें। चेतावनी दी थी मैंने इंद्रदेव को कि अपने प्रति उनका कोई भी विद्रोह सहन नहीं करूंगा, और अब उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। अनुज गणेश, भंडासुर और उसका परिवार देवी विमोहिनी द्वारा उत्पन्न भटकाव से अब मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए अब वो देवताओं का तप भंग करने का प्रयास अवश्य करेगा, और प्रभु महादेव के वरदान के कारण उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शासन के 60 सहस्त्र वर्षों में से एक वर्ष अभी भी शेष है। भैया, अब भंडासुर के संकट से माता पराशक्ति ही देवताओं का बचाव कर सकती हैं। पिता असुर महानायक भंडासुर की एक हुंकार पर्याप्त होगी इन देवताओं के लिए। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो अनुज गणेश? माता पर अपने अटल विश्वास के कारण भैया। तुमने सर्वथा उचित कहा था अनुज गणेश, माता से कुछ भी नहीं छिपाए और वो अपने भक्तों के प्रति कोई भी अन्याय कभी नहीं होने देंगी। मेरे शक्ति प्रहार से सुरक्षित कैसे हो गए ये देवता? किंतु ये तो अभी आरंभ है, इनकी भक्ति मेरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं कर सकती। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः।
सोचिए भैया, माता पर विश्वास रखिए। देवताओं ने सहस्त्रों वर्षों तक माता की तपस्या की है। माँ उनकी तपस्या को इतनी आसानी से भंग नहीं होने देंगी। ये कैसे संभव है? किसकी शक्ति से रक्षित हो रहे हैं ये देवता? ओम श्री मात्रे नमः। प्रणाम माता पराशक्ति। प्रणाम माता पराशक्ति। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भंडासुर को रोक सके। मेरी ब्राह्मण माला। ब्राह्मण माला। कौन है वो शत्रु जो मुझ पर छिपकर वार कर रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है। उन्होंने ही इन बाधाओं को उत्पन्न कर भंडासुर को देवताओं तक पहुंचने से रोक दिया। आज मेरे कोप से कोई भी बाधा देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेगी। माता की कृपा हो वो भला किसी आसुरी शक्ति से असुरक्षित कैसे हो सकता है? कौन है यह अदृश्य शक्ति जो बार बार इन देवताओं की सहायता कर रही है? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। यह शक्ति जो भी हो अपना विकराल रूप धारण कर नष्ट कर दूंगा इसे।
ये हिम की बाधाएं तो भंडासुर की ऊर्जा से नष्ट हो रही है। देवराज इंद्र, अब मैं अपनी ऊर्जा से दंडित करूंगा तुम्हें। विफलता स्वीकार करना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ये ज्ञात करना आवश्यक है कि ये कौन सी मायावी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। इन बाधाओं को नष्ट करने के प्रयास के स्थान पर हम इनके ऊपर से आक्रमण करेंगे। मेरा प्रहार अवश्य सफल होगा। ऊपर से नहीं तो नीचे से मेरा वार अवश्य सफल होगा। पिताश्री, भूमि के भीतर रिक्त स्थान उत्पन्न कर भेद देंगे इन देवताओं की सुरक्षा बाधा को। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। देवताओं की तपस्या बाधित कर दी भंडासुर ने। शांत हो गया इन देवताओं का मंत्रोच्चारण, भंग हो गया इनका तप। हमारा ये कार्य संपन्न हुआ, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, माता इस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने देंगी तथा देवताओं की रक्षा हेतु अवश्य आएंगी। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। माता पराशक्ति, ये तो उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि देवता अभी भी सुरक्षित हैं और अपने तप में लीन हैं। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री गणेश ने दिया भोल से भंडासुर को आकार और वही भूल बनी माँ ललिता की उत्पत्ति का आधार। जानिए कैसे करेगी माँ ललिता विघ्न का उद्धार। देखिए माँ ललिता अध्याय श्री विघ्नहर्ता गणेश मैन।